देखिए साथियों, ये भारत हॉस्पिटल है और शास्त्री नगर में स्थित है, प्राइवेट हॉस्पिटल है। कल मेरे मामा जी की तबीयत ख़राब हुई थी अचानक, तो मेरे मामा जी के जो परिजन हैं उन्होंने उनको यहाँ पे भारत हॉस्पिटल में भर्ती कराया था और ये एडमिट है, यहाँ पे उपचार चल रहा है। तो कल शाम को भी मैं इनकी देख रेख के लिए आया था और अभी शाम को वापस आया था। तो इन्होंने, मैं बैठा था तो इन्होंने मेरे को पर्ची लिख के दी कि भाई एक इंजेक्शन लेकर आ जाओ, और अंदर ही है। तो अंदर एक ये है SDMHDC मेडिकल स्टोर है, इनका अंदर ही है, हॉस्पिटल के अंदर ही। तो मैं उनके पास गया और मेरे मामा जी का लड़का भी साथ में था, तो वो बच्चा थोड़ा ज़्यादा कम पढ़ा लिखा है और गांव में काम करता है, उसको इतना नॉलेज नहीं होता है। तो इन्होंने मेरे को जो इंजेक्शन लिखा था, एक्सपायरी डेट का दो इंजेक्शन दे दिए, जिसकी एक्सपायरी डेट थी 4 महीना 2018 में, वो इंजेक्शन एक्सपायर हो चुका था। वो मेरे को दो इंजेक्शन थमा दिए इन्होंने, तो मैंने ले लिए। और उस जनरली बच्चे ने पहले हाथ में लिए, तो फिर मैंने एक बार देख खुद सर इनकी, फिर मैंने एक्सपायरी डेट चेक करी तो वो तो एक्सपायर थे दोनों इंजेक्शन। अगर ऐसे एक्सपायरी डेट इंजेक्शन अगर मरीज को लग जाते हैं तो मरीज की तो डेथ हो जाती। एक्सपायरी इंजेक्शन होता है वो तो एज ए पॉइजन होता है। तो इस तरह का ये यहाँ पे इस हॉस्पिटल के अंदर चल रहा है। और फिर मैंने विरोध किया, तो जब मैंने उनको बोला कि भाई ये एक्सपायरी डेट के इंजेक्शन है, तो उस टाइम इन्होंने जो दिया था उस इंजेक्शन, उन्होंने मेरे को इंजेक्शन को वापस बदल के दूसरे इंजेक्शन दे दिए तुरंत। बोले हमारे से गलती होगी। ये गलती नहीं होती है, क्योंकि अगर मानव जाति में अगर इस तरह की गलती करे तो पता नहीं कितनी जाने जा सकती है। और आपने किसी को शिकायत करी? मैंने ड्रग कंट्रोलर अजमेर को शिकायत करी, SP साहब अजमेर को भी टेलीफोन कर दिया, उनको भी सूचित कर दिया।